भारत की धरती पर अनेक महान विचारक, दार्शनिक और आचार्य हुए हैं, लेकिन उन सब का चिंतन मात्र धर्म या अध्यात्म तक सीमित रहा। किसी ने भी खंड खंड भारतीय समाज को एक करके भारतीयता स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। राष्ट्र के गौरव और एकता का चिंतन यदि किसी ने किया तो एकमेव महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद ने युगों से चली आ रही सामाजिक उदासीनता पर प्रहार करते हुए धर्म के साथ साथ जातीय एकता का चिंतन भी समाज को दिया। महर्षि दयानंद ने जान लिया था कि जब तक राष्ट्रीय और सामाजिक एकता का बंधन मजबूत नहीं होगा, धर्म की, देश की, समाज की कोई भी उन्नति नहीं हो सके। इसी कारण उन्होंने देश में एक शास्त्र वेद और एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपासना को प्रतिष्ठित करने के लिए आजीवन प्रयत्न किया। स्वामी दयानंद मात्र सन्यासी ही नहीं थे, वेद व्याख्याता ही नहीं थे, शास्त्रों में निपुण दिग्विजयी तार्किक विद्वान ही नहीं थे, अपितु वे सच्चे अर्थों में भारतीय एकता के सूत्रधार भी थे। महर्षि दयानंद एक सच्चे युग दृष्टा, युग सृष्टा थे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सृष्टि चक्र, मेरे घूमने से ही समय की गति का भी आभास होता है। अरबों वर्षों में मेरा एक चक्र पूरा होता है, जिसमें अनेकों सभ्यताएं जन्म लेती और नष्ट होती हैं। मैंने अपने इस चक्र में भी सैकड़ों सभ्यताएं देखी। मैंने इस आर्यावर्त के स्वर्णिम काल का शिखर भी देखा और पतन का गर्त भी। एक समय दिवस का प्रारंभ यहां वेदों की ऋचाओं से होता था, यहां ऐश्वर्य भी था और शांति भी। दुर्भाग्यवश आर्यावर्त की सभ्यताओं के विनाश का भी मैं मूक साक्षी हूं कि कैसे धर्म यहां क्षीण होने लगा और वासनाएं शक्तिशाली। न्याय का स्थान अन्याय ने ले लिया, धर्म का अधर्म ने, और पुरुषार्थ के आसन पर प्रमाद आसीन हो गया। आर्यावर्त का भविष्य अंधकारमय ही दृष्टिगत होता था कि तभी आर्यावर्त के अंधकारमय क्षितिज पर सौभाग्य का सूर्योदय हुआ, जब काठियावाड़ की मोरबी रियासत में डेमी नदी के तट पर टंकारा ग्राम में एक औदिच्य ब्राह्मण कर्शनजीत त्रिवाड़ी के घर 12 फरवरी 1824 ईस्वी को एक बालक का जन्म हुआ। बधाई हो, बेटा हुआ है। परमेश्वर ने देर से ही सही एक कुलदीपक दिया है। देखो कितना सुंदर है, आपके कुल का नाम रोशन करेगा। बालक का नाम मूल शंकर रखा गया। पांचवें वर्ष में पिता ने देवनागरी अक्षर पढ़ाना प्रारंभ किया। ओम
मापोहिष्ठामयो भूष्ठान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। आठवें वर्ष में मूल शंकर का यज्ञोपवीत हुआ और उसके बाद यजुर्वेद का अध्ययन प्रारंभ हुआ। कर्शन जी के घर में शिव की पूजा होती थी और उनके अनुसार शिव की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ थी। वे पुत्र को शिव पुराण की कथा में अपने साथ ले जाया करते। मूल शंकर की अवस्था कोई 14 की होगी। एक शिवरात्रि पर कर्शन जी ने मूल शंकर को शिव कथा महात्म्य सुनाया और जोर देकर उससे भी व्रत रखवाया और रात को मंदिर में जागरण के लिए अपने साथ लेकर गए। वहां मूल शंकर ने देखा, पिताजी पिताजी शिवलिंग पे चूहे चढ़ रहे हैं। चढ़ने दो बेटा, ये तो जानवर इन्हें कुछ पता नहीं, तुम आराम करो। लेकिन पिताजी, शिवजी की कथा के महादेव तो चेतन हैं, वरदान और श्राप देते हैं, नंदी बैल की सवारी करते हैं, फिर चूहे उनके ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं? बेटा, आप कलयुग में महादेव के दर्शन कहाँ होते हैं, वो तो कैलाश में रहते हैं। ये शिवलिंग तो उनकी पूजा करने के लिए है, इसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तुम आराम करो, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, सैनिकों को साथ ले जाओ और हाँ, ध्यान रहे अपना व्रत न तोड़ना। माँ, प्रसाद और शिवलिंग पर चूहे कूद रहे थे। कूदने दो, आप भोजन करो। लेकिन माँ, चूहे बार बार शिवलिंग पर चढ़ रहे थे और प्रसाद को गंदा कर रहे थे। आज सुबह से कुछ नहीं खाया, आप भोजन करो। लेकिन माँ, शिवजी की कथा के महादेव तो चेतन है, वे अपने पर चूहों को क्यों चढ़ने देंगे? बोलो माँ, पिताजी कहते हैं असली महादेव तो कैलाश पर रहते हैं, फिर इस नकली महादेव की पूजा क्यों? मुलशंकर, तुमने अपना व्रत क्यों तोड़ा? कुछ धर्म संस्कार सीखोगे कि नहीं? पिताजी, जब ये असली महादेव ही नहीं है तो मैं इनकी पूजा क्यों करूं? जब तक असली महादेव के दर्शन नहीं होते, मैं इस पत्थर के महादेव की पूजा नहीं करूंगा। सृष्टि का चक्र यूं ही घूमता रहा, उत्पत्ति विकास विनाश और पुनरोत्पत्ति, शोक विषाद विचार, सब अपनी अपनी गति से आते और जाते रहे। सुख संपत्ति और धन धान्य से भरे कर्शन जी के घर पर भी एक दिन घोर दुख की कालिमा छा गई, जब उनकी 14 वर्षीय पुत्री की अचानक हैजे से मृत्यु हो गई। किशोर मूल शंकर सोच में पड़ गया कि कैसे कुछ ही घंटे पहले तक हंसती खेलती उसकी बहन मर गई। उसके हृदय को गहरा धक्का लगा। मूल शंकर के मन में वैराग्य की जड़ पड़ गई। 5 साल बाद मूल शंकर के एक बहुत ही धर्मात्मा चाचा की भी मृत्यु हो गई। वो विचार में डूब गया कि क्या सब इसी तरह मर जाएंगे और वो स्वयं भी। ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मृत्यु का दुख छूट सके। मूल शंकर के मन में वैराग्य की भावना और भी गहरी हो गई। समय बीतता गया। बेटा पूरे 19 साल का हो गया है, अब हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। एक अच्छे घर से रिश्ता भी आया है, लड़की बहुत गुणवान और सुंदर है, तुम्हारी क्या राय है? ठीक ही तो है, पढ़ भी बहुत लिया है, और हमें कौन सी उसे नौकरी करवानी है, संयोग देखकर बात नक्की करो। मूलशंकर, सुना है तुम्हारा विवाह होने वाला है? हाँ, घर में तो बात चल रही है, परंतु मैं गृहस्थ आश्रम नहीं करना चाहता, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहकर योग साधना करना चाहता हूँ। सुन रही हो अपने लाडले के दादे, विवाह नहीं करना है, योगी बनकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, दरबार छोड़कर सन्यासी बनना है। हे भगवान, अब एक दिन का भी विलंब करना ठीक नहीं। मैंने कल ही कन्या के पिताजी को यहाँ बुला लिया है और आज से उसकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद। इस पढ़ाई लिखाई के कारण ही तो उसके दिमाग में उल्टा सीधा गुस्सा है। पिताजी,
मेरी काशी जाकर अध्ययन करने की इच्छा है। सुना है वहाँ बड़े बड़े विद्वान और योगाचार्य रहते हैं। कुछ नहीं, आपकी जितनी शिक्षा होनी थी उतनी हो चुकी। अब तक हमने आपकी हर बात मानी और उसका फल भी भुगता। अब और कुछ नहीं। और पढ़कर तुम्हें कोई नौकरी तो करनी है नहीं। बस अब आपका विवाह नक्की कर दिया है, अपनी गृहस्थी संभालो। और जब मूल शंकर ने जान लिया कि उसके माता पिता उसका विवाह किए बिना न मानेंगे, तो वो 21 वर्ष की आयु में संवत 1903 को गुपचुप घर से भाग निकला। रास्ते में उसे साधुओं के वेश में कुछ ठग मिले। इधर आओ बच्चा, तुम कौन हो बच्चा और कहां जा रहे हो? मेरे मन में वैराग्य की तीव्र भावना है और मैं योग साधना करना चाहता हूँ। इन कीमती वस्त्रों में साधना नहीं हो सकती है। बच्चा, अगर सच्चा वैराग्य बनना चाहता है तो इन आभूषणों के मोह माया से दूर हो जा। ये कर्ण श्रृंगार, ये मुद्रिका, ये सब योग साधना में बाधक है। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, उसी उद्देश्य की प्राप्ति की राह में इन तुच्छ कपड़ों और आभूषणों को रोड़ा नहीं बनने दिया जा सकता। मूल शंकर ने सुना था कि सायला में लाला भगत के स्थान पर अनेक योगी तथा संत आते रहते हैं, लेकिन उसे वहां वैसा कुछ नहीं मिला। लाला भगत के स्थान पर ही मूल शंकर को एक ब्रह्मचारी मिला और उसने उसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी। मित्र मूल शंकर, आज से आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए और आपका नया परिचय होगा नैष्ठिक ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य। उस समय कोट गांगड़ अहमदाबाद के पास एक छोटी रियासत थी। ये जीर्ण मंदिर उस समय की याद दिलाते हैं जब मूल शंकर सिद्धपुर जाते हुए यहाँ से गुजरा होगा। जब मूल शंकर कोट गांगड़ पहुंचा तो टंकारा के पास का ही एक वैरागी उसे मिला। अरे, ये तो मूल शंकर लगता है। मूल शंकर, तुम यहाँ? ये गेरुए वस्त्र क्यों धारण किए हैं? क्या तुमने घर छोड़ दिया है? हाँ, मैंने घर छोड़ दिया है। अब कहाँ जा रहे हो? मैं कार्तिकी के मेले पर सिद्धपुर को जा रहा हूँ। इसके पिताजी को सूचना देनी चाहिए। आपका बेटा मुझे कोट गांगड़ में मिला था, वो सन्यासी हो गया है और कार्तिकी के मेले में सिद्धपुर को गया है। सब तुम्हारे लाड़ प्यार के कारण हुआ है। तुम्हारे कहने से ही हमने उसे आगे पढ़ने दिया, नहीं तो 18 साल में लग्न हो गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सारे जग में हंसी हो रही है, लज्जा से सर झुक जाता है हमारा। हे भगवान, ये कैसा बेटा दिया तूने? सिद्धपुर एक महत्वपूर्ण पौराणिक तीर्थ है जहां माता के श्राद्ध के लिए लोग आते हैं। उनकी मान्यता है कि यहां तर्पण किए बिना माता की आत्मा मुक्त नहीं होती। मूल शंकर नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर में प्रवचन में बैठा था कि तभी कर्शन जी सिपाहियों के साथ आ पहुंचे। तुम हमारे कुल को बदनाम करने वाले पैदा हुए हो, तुम अपनी माता की हत्या करना चाहते हो, तुम्हारी माँ ये सहन नहीं कर सकेगी। चलो घर चलो। पिताजी आप शांत हो जाए, क्रोधित ना हो पिताजी, मैं तो घर आने ही वाला था। अब आप आ गए हैं तो अब आपके साथ ही चलता हूँ। सैनिको, एक पल के लिए भी इसे अकेला नहीं छोड़ना है। और इस प्रकार कर्शन जी सिपाहियों के सख्त पहरे में अपने बेटे को लेकर घर की ओर चल पड़े। लेकिन अवश्यंभावी को कौन रोक पाया है? रास्ता बहुत लंबा था और मूल शंकर का निश्चय बहुत ही पक्का। एक रात जब पहरेदार सो रहे थे तो मूल शंकर शौच के बहाने भाग निकला। बेटा मूल शंकर, मूल शंकर,
मूलशंकर, मूलशंकर कहाँ है? और कई कोस चलने के बाद एक वृक्ष के सहारे एक मंदिर की चोटी के पीछे छिप कर बैठ गया और संध्या होने के बाद मूलशंकर फिर मंदिर से उतरकर अपने रास्ते पर चल पड़ा। बचते बचते चलते हुए मूलशंकर बरोड़ा के चेतन मठ पहुंचा। वहीं उसे पता चला कि आजकल चाणोद करणाली में बड़े बड़े विद्वान रहते हैं। युवक मूलशंकर योगियों की खोज में चाणोद करणाली पहुंचा और वहां पर अनेक योगियों और पंडितों से अनेक विषयों पर वार्तालाप किया। ब्रह्मचर्य आश्रम में रसोई हाथ से बनानी पड़ती थी और अध्ययन में विघ्न पड़ता था। इस विचार से मूलशंकर की संन्यास लेने की इच्छा हुई। इसी चाणोद करणाली नगर में मूलशंकर ने संन्यास की दीक्षा ली। एक दक्षिणी दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, जो श्रृंगेरी से द्वारका मठ को जाते हुए वहां रुके हुए थे, उन्होंने ही मूलशंकर को संन्यास की दीक्षा दी। संन्यस्तम मया ओम भुवः संन्यस्तम मया। आज से विश्व आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जानेगा। चाणोद करणाली में स्वामी जी ने व्यास आश्रम में रहने वाले योगी योगानंद के बारे में सुना और उनसे मिलने व्यास आश्रम चले गए और योगानंद से स्वामी जी ने योगाभ्यास सीखा। फिर शिनोर में कृष्ण शास्त्री से कुछ समय तक व्याकरण सीखा। उसके बाद उत्तराखंड में और भी ऊंची योग्यता वाले योगियों और साधकों की खोज में स्वामी जी हरिद्वार की ओर चल दिए। संवत 1911 के हरिद्वार के कुंभ में होते हुए स्वामी जी टिहरी पहुंचे। उन्होंने वहां मिलने वाले अनेक तंत्र ग्रंथ देखे। मध्य, मांस, मुद्रा आदि पंच मकारों से मुक्ति होना आदि लेख उनमें देखकर स्वामी जी को बहुत खेद हुआ। स्वामी जी सिद्ध योगियों की खोज में भटकते रहे और जिससे जो मिला योग का ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी जी रुद्रप्रयाग, अगस्त मुनि, त्रियुगी नारायण, गौरी कुंड आदि स्थानों को होते हुए केदारनाथ पहुंचे। वहां से तुंगनाथ के पर्वत पर चढ़ गए, तुंगनाथ का मंदिर देखा। तुंगनाथ पर चढ़ना और उतरना दोनों बहुत ही कष्ट साध्य थे, लेकिन ये कष्ट उद्देश्य के सामने तुच्छ था। तुंगनाथ से उतरकर स्वामी जी ओखी मठ पहुंचे। सन्यासी, तुम हमारे शिष्य बन जाओ, मेरे बाद तुम ही यहाँ के महंत बनोगे और ये सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। मैं जिस संपत्ति को ढूंढ रहा हूँ वो आपके पास किंचित भी नहीं है महंत जी। और भ्रमण करते करते स्वामी जी बद्री नारायण आ गए। वहाँ के विद्वान महंत रावल जी के साथ वेदों व दर्शन पर स्वामी जी का सकारात्मक वाद विवाद हुआ। सिद्ध पुरुषों की खोज करते करते स्वामी जी माना ग्राम होते हुए अलकनंदा नदी के स्रोत की ओर चल पड़े। पर्वत, मार्ग, टीले सब बहुत घनी बर्फ से ढके थे। एक स्थान पर मार्ग ढूंढने के लिए स्वामी जी ने नदी को पार करने का निश्चय कर लिया। ठंड बहुत अधिक थी। नदी में बर्फ के तेज और नुकीले टुकड़े पैरों में चाकू की तरह लग रहे थे। पैरों से खून बहने लगा, पैर सुन्न हो गए, जिसके कारण अपने बड़े बड़े घावों को भी स्वामी जी जान न सके। भूख और प्यास से जब रहा न गया तो स्वामी जी ने बर्फ का एक टुकड़ा खाकर भूख शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी स्वामी जी अलकनंदा नदी के स्रोत वसुधारा तक पहुंचे। स्वामी जी को अब तक कोई ऐसा सिद्ध योगी नहीं मिला था जिसकी उन्हें तलाश थी। उनके मन में निराशा का भाव पैदा होने लगा। जिस आशा में मैंने अपना घर बार छोड़ा, माता पिता और कुटुंब को छोड़ा कि बड़े बड़े योगियों का सत्संग करूंगा, योगी बनूंगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा, जिसके लिए इतने कष्ट उठाए, आपदाएं झेली, मृत्यु के मुंह तक मैं अनेक बार गया, कहां है वे सिद्ध पुरुष, कहां है वे योगी जिनकी खोज में मैं अपना जीवन मिटाने को उद्यत हूं। इस जीवन से तो अच्छा है इसी हिमालय पर अपने प्राण त्याग दूं। लेकिन तभी उन्हें आभास हुआ कि जैसे कोई प्रेरणा कर रहा हो। नहीं दयानंद, निराश होने का कोई कारण नहीं है,
क्यों भूलते हो कि इतनी विपत्तियों के बाद भी उस परम पिता ने तुम्हें जीवित रखा है। इसमें अवश्य ही उसका कोई उद्देश्य है। संभवतः वो तुम्हें किसी महान कार्य का निमित्त बनाना चाहता है। दयानंद, निराशा के भाव से बाहर आ। और स्वामी जी ने आत्महत्या का विचार त्याग कर ज्ञानोपार्जन करने का निश्चय किया और पहाड़ों से उतरने लगे। गढ़मुक्तेश्वर में स्वामी जी को एक दिन गंगा में बहता हुआ एक शव दिखा। तंत्र ग्रंथों में वर्णित नाड़ी चक्र की सत्यता जांचने के लिए स्वामी जी नदी में कूद शव को तट पर ले आए और एक तेज चाकू से शव को चीर कर इन पुस्तकों में वर्णित नाड़ी चक्र से तुलना करने लगे। पुस्तक और शरीर में लेश मात्र भी मेल नहीं था। स्वामी जी ने पुस्तकों को फाड़कर शव के साथ ही नदी में बहा दिया। योगियों की खोज में स्वामी दयानंद ने कई साल का समय लगाया। बर्फ से ढके पहाड़ों की दुर्गमता, कठिन चढ़ाई, हड्डियां कपा देने वाली ठंड, वनों की भीषणता, कोई भी बात उन्हें विचलित न कर सकी। भूख, प्यास, प्रलोभन, कोई भी बाधा उन्हें अपने मार्ग से न डिगा सकी। नर्मदा, हिमालय और गंगा पर सिद्धों को खोजते खोजते स्वामी जी काशी पहुंचे और वहां से एक बार फिर नर्मदा के स्रोत की ओर प्रस्थान कर गए। नर्मदा के सुरम्य तटों के साथ साथ चलते हुए स्वामी जी घने जंगलों से गुजरे, जहां उनका सामना भयानक जानवरों से भी हुआ। कई बार कभी बैठकर, कभी पेट के बल रेंगकर घायल होकर उन्हें कंटीली झाड़ियों से निकलना पड़ा। जंगल, कांटे, जानवर, किसी भी बात की चिंता किए बिना सिद्ध योगियों का अनुसंधान करते स्वामी जी अपने गंतव्य की ओर बढ़ते गए। महर्षि दयानंद के जीवन वृत्त के 1857 से 1859 तक के 3 वर्षों का इतिहास में कोई एक मत ब्यौरा नहीं मिलता, लेकिन जो व्यक्ति कहता हो कि मत मतांतर के आग्रह से रहित, पक्षपात शून्य, पुत्र पर माता पिता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ भी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं हो सकता, वो व्यक्ति ऐसे कठिन समय में अवश्य ही कहीं स्वराज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहा होगा। अंततः स्वामी जी सन 1860 में मथुरा पहुंचे। हरिद्वार में ही स्वामी पूर्णानंद जी ने उन्हें व्याकरण मार्तंड स्वामी विरजानंद जी के पास जाने की सलाह दी थी। गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर भस्म, गेरवे वस्त्र और हाथ में लोटा लिए स्वामी जी एक दिन दंडी विरजानंद जी की पाठशाला में उपस्थित हुए। कौन है? मैं हूं दयानंद सरस्वती। क्या चाहिए? महाराज, मैं एक सन्यासी हूं और श्री चरणों में विद्याभ्यास की कामना रखता हूं। हम किसी सन्यासी को शिष्य के रूप में ग्रहण नहीं करते। जिसके खाने और ठहरने का प्रबंध ना हो, वो विद्याभ्यास में मन नहीं लगा सकता। दंडी जी की इस शर्त से निराश हो स्वामी जी यमुना पर किम कर्तव्य विमूढ़ घूम रहे थे कि संयोग से एक सज्जन पुरुष अमरलाल जोशी से उनका परिचय हुआ और उन्होंने स्वामी जी के भोजन का प्रबंध कर दिया। विश्राम घाट पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में रहने के लिए एक कोठरी भी मिल गई। श्री चरणों में दयानंद का अभिवादन स्वीकार हुआ आचार्यवर। चिरंजीवी भव, मेरे भोजन और आवास की व्यवस्था हो गई है। चिरंजीव, यदि कोई मनुष्य प्रणीत अनाश ग्रंथ तुम्हारे पास हो तो तुम उसे यमुना में बहा आओ, क्योंकि जब तक इन अनार्ष ग्रंथों का प्रभाव तुम्हारे मस्तिष्क पर रहेगा तब तक आर्ष ग्रंथों का प्रकाश तुम्हारे चित्त में प्रवेश न कर सकेगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव। दयानंद, आज मैं जिस आग को चिंगारी के रूप में तुम्हारे मस्तिष्क में स्थापित कर रहा हूं, कल वही चिंगारी एक विराट अग्निपुंज बनकर भारत भूमि के भ्रांत मतों और अंधविश्वास को जलाकर राख कर देगी। और दंडी जी के चरणों में
अनेक आर्ष ग्रंथों का सघन अभ्यास प्रारंभ हुआ। दयानंद जी आचार्यवर, ये क्या है? क्षमा करें आचार्यवर। दंडी जी, दयानंद एक सन्यासी है, आपको एक सन्यासी की पिटाई करना उचित नहीं है। वह दूसरे विद्यार्थियों की तरह गृहस्थ या ब्रह्मचारी नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो, इतनी मार खाकर भी उस कुलक्कर ने यही कहा। आचार्यवर, आपके कोमल हाथों को कष्ट हुआ होगा, मेरा शरीर तो श्रम और कष्ट उठा उठा कर पाषाण के समान कठोर हो गया है, मुझे क्षमा करें। कुलक्कर कहीं कहा। जड़िया जी, दंडी जी के श्री चरणों में मेरा समय समाप्त हो चुका है। उन्हें गुरु दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परंपरा का निर्वाह तो करना ही होगा। आप आदेश करें, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आप तो सदैव ही सहायक रहे हैं, आप ये सुझाएं कि मैं इस अवसर को कैसे निभाऊं? मैं तो ठहरा सन्यासी। दंडी जी को लवंग बहुत पसंद है, ये तो आपको भी पता है। आप उन्हें थोड़ी लवंग गुरु दक्षिणा में दे दें। लेकिन लवंग आएगी कहां से? आप सन्यासी हैं और मैं गृहस्थ, आपकी सेवा करना मेरा दायित्व तो है। आप लवंगों की चिंता छोड़कर गुरु दक्षिणा की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये उपकार जीवन भर याद रहेगा। गुरुदेव, ये तुच्छ गुरु दक्षिणा स्वीकार कर कृतार्थ करें। क्या लाए हो दयानंद? गुरुदेव, आपका प्रिय पदार्थ लवंग। दयानंद, हम पर इस मातृभूमि का बहुत ऋण है, वो इन मुट्ठी भर लवंगों से नहीं उतर सकता। मैं तुमसे किसी धन की दक्षिणा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन की दक्षिणा। कर सकते हो तो करो प्रतिज्ञा कि जब तक तुम जीवित रहोगे, आर्यवर्त में आर्ष ग्रंथों और वेदों की महिमा स्थापित करोगे, अनार्ष ग्रंथों का खंडन करोगे और भारतवर्ष में वैदिक धर्म की स्थापना करने में अपने प्राण भी अर्पित कर दोगे। दे सकते हो तो दो गुरु दक्षिणा, कर सकते हो तो करो प्रतिज्ञा। तथास्तु गुरुदेव। दंडी जी की पाठशाला छोड़कर 1863 में स्वामी जी आगरा आ गए। स्वामी जी ने आगरा से जयपुर होते हुए राजपुताने के अनेक नगरों का भ्रमण किया और गुरु जी को दी हुई प्रतिज्ञा पर कार्य प्रारंभ करने का निश्चय किया। पुष्कर में इसी ब्रह्मा जी के मंदिर में स्वामी जी ने निवास किया था। यही है वो कोठरी जहां स्वामी जी एक बार ठहरे थे। यहां स्वामी जी ने अवैदिक मतों का खंडन प्रारंभ किया। वैदिक मत को स्वीकारते हुए यहां अनेक लोगों ने माला कंठी उतारकर जनेऊ धारण किया। गाय की दुर्दशा देख स्वामी जी की आत्मा रोती थी। अजमेर में स्वामी जी ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ब्रूक्स को गौरक्षा से होने वाले लाभ समझाए। कालांतर में गौरक्षा के लिए स्वामी जी ने 3 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ एक पत्र महारानी विक्टोरिया को प्रस्तुत करने का निश्चय किया, परंतु समय रहते इतने हस्ताक्षर एकत्रित न हो सके। दूसरे पशुओं का संरक्षण भी स्वामी जी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। अजमेर में ही विभिन्न मतों के धर्माचार्यों से शास्त्रार्थ भी हुआ। स्वामी जी ने हरिद्वार के 1867 के कुंभ में सप्त सरोवर पर, जो आज वैदिक मोहन आश्रम के नाम से जाना जाता है, धार्मिक पाखंड के विरुद्ध पाखंड खंडनी पताका फहराई और उसके नीचे खड़े होकर जनता को संदेश दिया। धर्म जिज्ञासु, अज्ञान के अंधकार से निकलो, ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है, उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, उसे किसी माध्यम की, किसी अवतार की आवश्यकता नहीं। ईश्वर प्राप्ति तीर्थ कंठी तिलक छाप या सुमरणी से नहीं, वरन शुद्ध विचार और सत्य आचरण से ही संभव है। सत्य सनातन
वैदिक धर्म की राह पर चलकर ही मनुष्य की मुक्ति संभव है। आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। स्वामी जी को घोर शोक हुआ कि साधु समाज मूल सत्य सनातन वैदिक धर्म को भुलाकर संकीर्णताओं में बट गया है। उनके मन में समाज कल्याण की तीव्र भावना उत्पन्न हुई और अपने पास की प्रत्येक वस्तु, कपड़े, पुस्तकें, धन सब उन्हें इष्ट सिद्धि में बाधा प्रतीत होने लगे और ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा कहते हुए स्वामी जी ने अपना सब कुछ जनता में बांट दिया और इष्ट सिद्धि होने तक मात्र संस्कृत में बात करने और गंगा तट पर विचरण करने का व्रत ले लिया। गंगा किनारे अनेक छोटे बड़े नगरों का भ्रमण करते हुए स्वामी जी कर्णवास पहुंचे। हमराव कर्ण सिंह चक्रांकित संप्रदाय के गुरु रंगाचार्य के शिष्य हैं। हम कहां बैठे? जहां आपकी इच्छा हो। हम तो यही बैठेंगे तुम्हारे पास। बैठो। लेकिन मस्तक पर ये तिलक क्यों लगाया है? तिलक लगाने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। स्वामी, ये हमारा परम मत है। यदि तुमने इसका खंडन किया तो हम बहुत बुरी तरह पेश आएंगे। सत्य कहते हुए सिर भी कटता है तो चिंता नहीं, और यदि तुम लड़ाई करना चाहते हो तो जाकर राजपुताना के राजाओं से करो, और यदि शास्त्रार्थ करना है तो वृंदावन से अपने गुरु को बुलवा लो और प्रतिज्ञा लिखवा लो कि यदि वो हार जाए तो अपना मत छोड़ दे, अन्यथा मैं अपना मत छोड़ दूंगा। स्वामी, हम चाहें तो इस तलवार को तुम्हारे पेट में घुसेड़ दें, लेकिन हमारा सन्यासी धर्म हमें इसकी आज्ञा नहीं देता। महर्षि दयानंद ने नगर नगर, ग्राम ग्राम घूमकर शास्त्रार्थों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त किया। दयानंद के अमोघ अस्त्र शास्त्रार्थ के सामने बड़े बड़े धर्म योद्धा धराशायी हो गए। मुरादाबाद में राजा जय कृष्णदास की कोठी के ये भग्नावशेष प्रत्यक्षदर्शी हैं उस ऐतिहासिक शास्त्रार्थ के जो यहाँ पादरी डब्लू पार्कर और स्वामी जी के बीच हुआ था। ये शास्त्रार्थ 15 दिनों तक चला था। इसमें अनेक विषयों पर वाद विवाद हुआ था। इस शास्त्रार्थ की विशेषता ये थी कि इसे स्वयं वहां के कलेक्टर ने आयोजित किया था। वहां उपस्थित अंग्रेज ये देखकर दंग रह गए थे कि एक सन्यासी राजनीति शास्त्र पर भी धारा प्रवाह बोल सकता है। वागर्था प्रजपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज मैं दयानंद से इन मूर्तियों को भोग लगवा कर ही उठूंगा। वेदों में मूर्ति पूजा का प्रमाण तो दीजिए। मूर्ति पूजा का प्रमाण? आप लक्षण के लक्षण बताइए। लक्षण का कोई लक्षण नहीं होता, जैसे आटे का आटा नहीं होता या दूध का दूध नहीं होता। लक्ष्य का लक्षण होता है। लक्ष्य का क्या लक्षण होता है आप बताइए। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं और इन मूर्तियों को सदा के लिए नमस्कार करता हूं। इस शास्त्रार्थ से उस क्षेत्र के क्षत्रियों पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसी दिन सैकड़ों राजपूतों व अन्यों ने कंठी और माला छोड़कर यज्ञोपवीत धारण किया। स्वामी जी के प्रति लोगों में श्रद्धा का समुद्र उमड़ पड़ा। सनातन धर्म की जय हो। यज्ञ में मद्यपान किया जाता था। सौत्रा मण्यम सुराम पिबे। यहाँ सुरा का अभिप्राय सोमलता से है, न कि मदिरा। मद्यपान सभी प्रामाणिक शास्त्रों में वर्जित है। आप सन्यासी के लक्षण बताइए। केश, मूछ, दाढ़ी, नख दूर करे, पात्र, दंड और कुसुम्भ के वस्त्र धारण करे, और किसी प्राणी को पीड़ा न देता हुआ सदा नियम में रहकर विचरण करे। आप ब्राह्मण के लक्षण कहिए। ब्रह्मम जानाति ब्रह्म। आप भाषा में बोल सकते हैं। धातु समर्थ होता है या असमर्थ? अष्टाध्यायी 2:1:1 के अनुसार धातु समर्थ होता है। तो असमर्थ किसे कहते हैं? सापेक्षो असमर्थ हो, अपेक्षा करने वाला असमर्थ होता है। ये महाभाष्य का वचन है। ये महाभाष्य का वचन नहीं है। हम जो कहते हैं हमारा वचन महाभाष्यकार के वचन से कम नहीं है। आप महाभाष्यकार पतंजलि मुनि के सामने किसी गणना में नहीं है। पांडित्य का इतना गर्व है तो बताइए कल्म किसकी संज्ञा है।
क्या आप महाभारत में विश्वास करते हैं? हाँ। एक भील ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की और शस्त्रों का अभ्यास किया और उसमें विशेष निपुणता प्राप्त की। इससे मूर्ति पूजा सिद्ध होती है। इससे मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं होती है। एकलव्य ने यह कार्य अज्ञानवश किया। उसकी शस्त्र निपुणता मूर्ति पूजा का नहीं वरन सतत और सघन अभ्यास का फल थी। ईश्वर सर्वव्यापक है तो पत्थर में भी है, तो फिर मूर्ति पूजन में क्या दोष है? ईश्वर सर्वव्यापक है तो पत्थर में ही क्या विशेषता है? चेतन को छोड़कर जड़ की पूजा में क्या भलाई है? वेदों में यदि प्रतिमा पूजन की आज्ञा नहीं है तो निषेध भी कहां है? जब विधि नहीं है तो निषेध ही समझना चाहिए। कानपुर में दरगाहीलाल के घाट पर 31 जुलाई 1871 को स्वामी जी और हलधर ओझा के बीच हुए इस दूसरे शास्त्रार्थ को सुनने कानपुर की 20-25 हजार से अधिक जनता उमड़ पड़ी थी। लोगों ने अपने घर की छतों और पेड़ों पर चढ़कर भी इस शास्त्रार्थ को देखा था। इस शास्त्रार्थ का कानपुर की जनता पर इतना प्रभाव हुआ कि लोग मूर्ति पूजा से विमुख होकर मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित करने लगे। यहां तक कि इससे चिंतित होकर वहां के प्रभावित पुजारियों ने समाचार पत्रों में एक विज्ञापन छपवाया कि लोग मूर्तियों को गंगा में न बहाकर अमुक मंदिर में दे दें। शास्त्रार्थों के इसी दौर में एक इतिहास रचा गया। स्वामी जी को मालूम था कि यदि जड़ पूजा को समाप्त करना है तो उसकी जड़ पर ही प्रहार करना होगा, अर्थात काशी के विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त करना होगा। लेकिन ये इतना सरल कार्य नहीं था, क्योंकि पौराणिक समाज की मान्यता थी कि काशी की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं और यहाँ मरने का अर्थ है सीधे स्वर्ग जाना। उसी काशी की रक्षा के लिए हजारों पंडित अपनी अगाध विद्या और काशी नरेश अपने बल और धन से सदैव तत्पर रहते थे। स्वामी जी ने काशी पहुंचकर राजा अमेठी के बाग में डेरा डाला और जड़ पूजा के विरुद्ध अनवरत संस्कृत प्रवचन करने लगे। परमेश्वर की अनुकंपा से स्वामी जी ने हजारों पंडितों की विद्या, काशी नरेश के अनंत वैभव और महादेव के अनेक विकराल अनुचरों का सामना करते हुए मूर्ति पूजा के दृढ़तम दुर्ग पर आक्रमण करने का निश्चय किया। काशी नरेश ने क्षुब्ध होकर काशी के पंडितों और विद्वानों को बुलाकर कहा, आप लोग उससे शास्त्रार्थ कीजिए। जो आज्ञा महाराज। परंतु हम में से अधिकांश ने वेद नहीं पढ़े हैं। वेदों और अन्य शास्त्रों को देखने और समझने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। काशी नरेश की जय हो। काशी के पंडित समूह ने एकजुट होकर स्वामी जी पर प्रहार करने की योजना बनाई। ज्ञान से, छल से, कपट से, चरित्र हनन से, अपमान से, जैसे भी हो सके स्वामी जी को मिटाने पर डट गए। अंततः शास्त्रार्थ का दिन आ पहुंचा। स्वामी जी के एक अनुयायी ने शंकाग्रस्त होकर कहा, महाराज आज बहुत भीड़ होगी और आपके पक्ष का तो वहाँ कोई भी नहीं होगा, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। बलदेव, सत्य का सूरज अकेले ही अंधकार की सेना पर विजय पाता है। प्राणों के भय से ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो होगा देखा जाएगा। जाओ शौर के लिए एक नाई को बुला लाओ। जो आज्ञा प्रभु। शास्त्रार्थ के दिन शास्त्रार्थ स्थल पर 50,000 से अधिक की भीड़ उमड़ पड़ी। काशी के पंडित पालकियों में बैठकर चंवर डुलवाते हुए और अपनी जय बुलवाते हुए शास्त्रार्थ स्थल पर पहुंचे। इस शास्त्रार्थ में काशी के शीर्षस्थ 27 पंडितों ने भाग लिया। प्रबंध में जानबूझकर अव्यवस्था पैदा कर दी। स्वामी जी के पक्ष वालों को बाग में प्रवेश ही नहीं करने दिया गया और शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। क्या आप वेदों का प्रमाण स्वीकार करते हैं? हाँ। वेदों में मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण हो तो दिखाइए। आनंदमयो अभ्यासात, दिखलाइए कि ये सूत्र वेद मूलक है। जब तक समस्त वेद को देख न लिया जाए इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि समस्त वेद शास्त्र तो पंडितों में से भी किसी को उपस्थित नहीं है। सभी वेद शास्त्र यदि तुम्हें उपस्थित नहीं थे तो काशी में शास्त्रार्थ करने क्यों चले आए थे? क्या आपको सब कुछ उपस्थित है? ब्राह्मणान इतिहासान पुराणानि, इस वाक्य में पुराणानि शब्द पुराणों के लिए आया है। पुराण शब्द यहाँ विशेषण है, किसी पुस्तक विशेष का नाम नहीं। ये वेद मंत्र है, यज्ञ समाप्त सत्याम दशमे दिवसे पुराण पाठम श्रुणुयात।
और पुराण शब्द यहाँ विशेषण नहीं है। स्वामी जी उस तुड़े मुड़े पुर्जे के अपठनीय लेख को पढ़ने का प्रयत्न कर ही रहे थे कि ओ दयानंद हार गए, दयानंद हार गए। सब कुछ पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किया गया। पंडितों के गुंडों ने स्वामी जी को शारीरिक हानि पहुंचाने का भी पूरा प्रयत्न किया, लेकिन रघुनाथ प्रसाद कोतवाल की तत्परता से उन्हें कोई हानि नहीं पहुंची। उस दिन कौन जीता कौन हारा ये तो ईश्वर जानता है, लेकिन स्वामी जी को आशा थी कि इतने विद्वानों की उपस्थिति में शास्त्रार्थ न्यायपूर्वक होगा। अनेक दिनों तक चलने वाला शास्त्रार्थ कुछ ही घंटों में समाप्त कर दिया गया और वेदों में मूर्ति पूजा न होने की सच्चाई स्थापित होने से रह गई। घोर शोक की बात है कि आर्यावर्त के लोग अपने ही जैसे दूसरे मनुष्यों को अछूत कहकर उनसे घृणा करते हैं। जो लोग कुत्तों को छू सकते हैं, बिल्लियों से खेल सकते हैं, भैंसों ऊंटों तथा और भी गंदे जंतुओं को छू ही नहीं खा भी लेते हैं, वही लोग दूसरों को अछूत समझें, उन्हें शिक्षा तक का अधिकार नहीं? ये कैसा न्याय है, कैसा धर्म है? स्वामी जी ने धर्म के ठेकेदारों को ललकारा और कहा, जैसे परमात्मा ने आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और अन्नादि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सब मनुष्यों के लिए प्रकाशित किए हैं, वैसे ही शिक्षा पर भी सबका अधिकार है, सभी मनुष्य समान हैं। स्वामी जी ने अनुभव किया कि प्रौढ़ों को प्रवचनों से बदल पाना संभव नहीं है, अतः समाज में स्थायी परिवर्तन के लिए बालकों में ही शिक्षा के माध्यम से अच्छे संस्कार स्थापित करने होंगे और इसी उद्देश्य से सितंबर 1870 में मिर्जापुर में गुरुचरण रईस व अन्यों की सहायता से अनेक पाठशालाओं की श्रृंखला में पहली पाठशाला की स्थापना हुई और कालांतर में कासगंज, छलेसर, काशी आदि अनेक स्थानों पर वैदिक पाठशालाएं खोली गई। स्वामी जी सोचते थे कि इन पाठशालाओं से निकले छात्र आर्यवर्त में वैदिक मत का प्रचार करेंगे, परंतु ऐसा न हो सका। मिर्जापुर पाठशाला में नियुक्त अध्यापकों ने छात्रों को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अरे मूढ़ों, इस पढ़ाई से तुम्हें क्या मिलने वाला है? ना कोई गृहस्थ तुम्हें श्राद्ध भोज में बुलाएगा, ना किसी और अनुष्ठान में निमंत्रण देगा, भूखे मर जाओगे। अरे दयानंद का क्या है, वो तो सोटा लोटा और लंगोटाधारी साधु है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। उस लोटा सोटा लंगोटाधारी की बातें छोड़ो और विवाह संस्कार कराना और सत्यनारायण की कथा बाँचना सीख लो, लाभ ही लाभ है। इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले छात्र और अध्यापक दोनों ही अपनी रूढ़ियों को नहीं छोड़ सके और ये सभी पाठशालाएं समय के साथ बंद हो गई। जनहिताय स्वामी जी ने अपने योग बल का उपयोग अनेक अवसरों पर किया। कासगंज आर्य समाज में लगा ये चित्र उस घटना का वर्णन करता है जब यहाँ झौरा भौरा चौक पर एक दिन सड़क के बीच दो सांड सींग से सींग भिड़ाकर लड़ रहे थे। स्वामी जी ने थोड़ी देर तो प्रतीक्षा की, फिर वे उन लड़ते हुए सांडों के निकट पहुंचे और उन्हें सींगों से पकड़कर पीछे की ओर धक्का दे दिया। लोग डर गए, धक्का जोर से पड़ा और सांड डर कर भाग गए और अवरुद्ध मार्ग खुल गया। अनूप शहर में स्वामी जी को एक व्यक्ति ने पान में रखकर विष दे दिया। स्वामी जी के बहुत ही प्यारे भक्त तहसीलदार सैयद मोहम्मद ने उस आदमी को गिरफ्तार करवा लिया। नमस्ते हुजूर, स्वामी जी आपका कातिल आपके सामने है, ये वही शख्स है जिसने पान में जहर देकर आपको मारने की कोशिश की। तहसीलदार साहब, मैं संसार में किसी को कैद कराने नहीं बल्कि संसार को अज्ञान और असत्य की कैद से छुड़ाने आया हूं। इसे छोड़ दो, यदि ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो फिर हम भी अपनी सज्जनता क्यों छोड़ दें? आपने अपने कातिल को भी माफ कर दिया, आप कोई फरिश्ता हैं? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज।
भागलपुर में गंगा पर एक मेला लगता था। वहां स्वामी जी ने देखा कि लोग पंडों को अपनी कन्याएं दान दे रहे हैं। अपने देश में फैली धर्मांधता और अंधविश्वास को साक्षात देखकर स्वामी जी को बहुत संताप हुआ। एक कन्या और एक गाय भैंस में कोई अंतर ही नहीं, अंधविश्वास का ऐसा तांडव। अरे भाई, तुम लोग ये क्या कर रहे हो जो अपना खाना इस गाय को खिला रहे हो? आज स्वामी जी ने भोजन करने से इनकार कर दिया, आज हमारी भी इच्छा नहीं है खाना खाने की। ऐसी भी क्या बात हो गई भाई? आज स्वामी जी ने गंगा तट पर लोगों को अपनी बेटियां पंडों को दान करते देखा है, इसीलिए आज उनसे खाना भी नहीं खाया गया। कितने अच्छे हैं वो, दूसरों के दुख देखकर दुखी हो जाते हैं। वो चाहते हैं दुनिया से सब बुराइयां दूर हो जाएं, सबको उनका साथ देना चाहिए। हाँ, हम सबको उनका साथ देना चाहिए। कलकत्ता में स्वामी जी कई महीने रहे। यहाँ रहते हुए उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ और प्रवचन दिए। कलकत्ता में स्वामी जी का ब्रह्मो समाज के नेताओं से काफी संपर्क रहा। कलकत्ता में ही स्वामी जी ने पूरे वस्त्र पहनना और आर्य भाषा हिंदी में बोलना प्रारंभ किया। 14 वर्ष पहले भी दयानंद मथुरा आया था, तब उसे कोई नहीं जानता था। उसने सुन रखा था कि मथुरा में दंडी विरजानंद की पाठशाला में ज्ञान का झरना बहता है। ज्ञान के उसी झरने से ज्ञान की कुछ बूंदें प्राप्त करने दयानंद दंडी विरजानंद की शरण में पहुंचा था और अध्ययन के बाद वैदिक धर्म के पुनरुत्थान में अपना शेष जीवन लगा देने की प्रतिज्ञा के साथ उसने मथुरा छोड़ा था। आज वही दयानंद फिर मथुरा आया है। आज वो शिष्य नहीं, गुरु है। उसके लाखों शिष्य हैं। आज उसका नाम सुनकर बड़े बड़े धर्म दुर्ग हिलने लगते हैं, उनके रक्षकों को हृदयाघात होने लगता है। उस समय भी मथुरा वृंदावन भारत में पौराणिक धर्म के दृढ़तम दुर्ग समझे जाते थे और इस दुर्ग के द्वारपाल थे रंगाचार्य। स्वामी जी के मथुरा वृंदावन पधारने का उद्देश्य था रंगाचार्य से शास्त्रार्थ करना। रंगाचार्य कहते थे कि तिलक, छाप, कंठी और मूर्ति पूजा सब वेद सिद्ध हैं। स्वामी जी ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रण भेजा, लेकिन रंगाचार्य शास्त्रार्थ के लिए आगे नहीं आए। स्वामी जी का तो कमाल है, उनकी हाजिर जवाबी का तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ, एक बार अनूप शहर में एक नाई स्वामी जी के लिए बड़े प्यार से अपने घर से रोटी बनाकर लाया और स्वामी जी ने भी उसे उतनी इज्जत देकर स्वीकार किया। एक आदमी बोला, स्वामी जी ये रोटी मत खाइए, ये नाई की रोटी है। स्वामी जी उलट पलट के उस रोटी को देखने लगे। क्या बात है। और बोले, भाई ये नाई की रोटी कहाँ है, ये तो गेहूं की रोटी है। 1874 में जब स्वामी जी काशी में थे तो स्वामी जी के एक श्रद्धालु राजा जय कृष्णदास ने उनसे आग्रह किया कि महाराज, समस्त जनता तक आपके उपदेश पहुंचे, इस उद्देश्य से आपको अपने विचार पुस्तक के रूप में छपवाना चाहिए, क्योंकि न तो आप स्वयं सर्वत्र जा सकते हैं और न सभी लोग आपके प्रवचनों को स्वयं सुन सकते हैं। और उनके सुझाव पर 12 जून 1875 को स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखवाना प्रारंभ किया। स्वामी जी बोलते जाते थे और श्री चंद्रशेखर लिखते जाते थे। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ 4 महीने से भी कम समय में तैयार किया था। इसमें सैकड़ों ग्रंथों से उद्धरण दिए गए हैं। इस ग्रंथ में मुख्यतः इन विषयों पर ऋषि ने अपने विचार लिखे। परमेश्वर के गुण और स्वभाव पर आधारित नामों की व्याख्या, संतानों की शिक्षा, ब्रह्मचर्य और पठन पाठन की व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, विवाह और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एवं संन्यास की विधि, राजधर्म, वेदेश्वर विषय, विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय, आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय, देशी और विदेशी मतों पर। स्वामी जी के ऋषि होने का प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश से मिलता है, जिसमें उन्होंने 1875 में ही नमक और जंगलात के कानून की अनीति और अन्याय को अनुभव करते हुए अपनी राय दी कि ये दोनों ही वस्तुएं शासन के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश ने अनेक क्रांतिकारियों को देश पर मर मिट जाने की प्रेरणा दी। राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर,
श्याम जी कृष्ण वर्मा और भाई परमानंद जैसे वीरों की एक लंबी सूची है। गुरु को दी हुई प्रतिज्ञा का निर्वाह करते करते स्वामी जी दिसंबर 1874 को मुंबई आ गए। मुंबई में ही श्री गोपाल राव देशमुख के आग्रह पर स्वामी जी ने वेद भाष्य लिखने का निश्चय किया। महाराज एक विनती। कहिए। आज तक वेदों के जितने भी भाष्य हुए हैं वे आपको मान्य नहीं है, तो फिर सत्य और असत्य का निर्णय कैसे हो? महाराज आपको इस दिशा में कुछ करना चाहिए। आपको वेदों का एक ऐसा भाष्य लिखना चाहिए जो हर दृष्टि से प्रामाणिक हो। आप उचित ही कह रहे हैं बाबू गोपाल राव, यही समय की मांग भी है। हम वेदों का भाष्य अवश्य करेंगे। धन्यवाद। और स्वामी जी ने ऋग्वेद का भाष्य प्रारंभ किया। अपने भक्तों के आग्रह पर मुंबई में स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की। 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव रोड पर डॉक्टर माणिक जी की बागवाड़ी में शाम 5:30 बजे आर्य समाज स्थापित हुआ। इस आर्य समाज की स्थापना के रूप में पाखंड और असत्य का अंधेरा दूर करने के लिए जिस एक दीपक का प्रज्वलन हुआ, वो आगे चलकर सहस्त्रों आर्य समाजों की विशाल दीपमाल का अंग बना। मुंबई की जनता पर स्वामी जी के व्यापक प्रभाव से विरोधी हताश होने लगे और मूर्ति पूजा खंडन बंद करने के बदले में उन्हें शिवजी का अवतार घोषित करने का प्रलोभन भी दिया गया। यह बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे समाज के सैकड़ों व्यक्ति दयानंद के अनुयायी बनते जा रहे हैं। इसे रोकना होगा। इसके लिए एक ही उपाय दिखता है। वो क्या महाराज? उसे प्रलोभन देना होगा। दयानंद के पास एक प्रस्ताव भेजा जाए, यदि वह जड़ पूजा का खंडन बंद कर दे तो हम सब उसके अनुयायी बन जाएंगे और उसे शिव का अवतार घोषित कर दिया जाएगा। असंभव। जिस अंधेरी खाई से हम इस समाज को निकालना चाहते हैं, हम स्वयं उसी में गिर जाएं? संभव नहीं। सिद्धांतों के साथ समझौता संभव नहीं। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे और महादेव मोरेश्वर कुंटे के आग्रह पर धर्मचक्र को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी पूना पहुंचे। भिड़े के बाड़े और कैंप में ईस्ट स्ट्रीट में मराठी स्कूल में स्वामी जी के कुल 54 व्याख्यान हुए, जिनमें से 15 व्याख्यान लिखे गए और बाद में उपदेश मंजरी के नाम से प्रकाशित हुए। पूना का एक पौराणिक वर्ग नहीं मानता था कि वर्ण जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित है और वेदों पर सबका अधिकार है। पूना में स्वामी जी के भक्तों ने उनके सम्मान में एक शोभा यात्रा निकाली जो इस मकान बैरिस्टर महस्के के घर से प्रारंभ हुई थी। महस्के साहब, स्वामी जी के शोभा यात्रा के सारे प्रबंध कर लिए गए? हाँ साहब, कल की शोभा यात्रा के सारे प्रबंध हो चुके हैं। हाथी घोड़े बैंड बाजे सब प्रबंध हो चुके हैं। उनकी सुरक्षा का भी हमें पूरा ध्यान रखना होगा और कुछ सेवक हर समय स्वामी जी के आसपास रहेंगे और स्वामी जी को बिल्कुल आभास नहीं होना चाहिए। आप स्वामी जी से हाथी पर बैठने का आग्रह कीजिए, उनकी शान तो हाथी पर बैठने में ही है। विनती करके देख लेंगे, वैसे स्वामी जी मना कर देंगे, वो पैदल ही चलना पसंद करेंगे। विरोधियों ने भी एक विरोध यात्रा निकाली। दयानंद की शोभा यात्रा की पूरी तैयारी हो गई है? हाँ साहब, सब तैयारी हो गई है। दयानंद गधे का झूल और उसके स्वागत के लिए गोबर, कीचड़, पानी, ईंट वगैरह सब इंतजाम हो गया है साहब। दयानंद जिंदगी भर पूना को याद रखेगा। हमारे गधे का नाम होगा गर्दभानंद सरस्वती। दयानंद की यात्रा के साथ साथ गर्दभानंद सरस्वती की यात्रा भी भीड़े के बाड़े में साथ ही पहुंचेगी। वहां सभी घरों में उनके स्वागत की सारी सामग्री रखवा दी गई है। जैसे ही उनकी शोभा यात्रा वहां पहुंचेगी, गोबर, ईंट, कीचड़ से उसका स्वागत होगा। दोनों शोभा यात्राएं सायं 7:30 बजे भिड़े के बाड़े पहुंची, जहां स्वामी जी का व्याख्यान होना था। स्वामी जी की शोभा यात्रा पर ईंट और पत्थरों की बारिश हुई। घरों की खिड़कियों और छतों से कीचड़, गोबर और पत्थर बरसते रहे। पूना के भक्तों का विश्वास और धैर्य प्रशंसनीय था, जो इस सब के बाद भी हजारों की संख्या में उपस्थित रहे।
शाहजहांपुर जिले के चांदापुर गांव के दो जमींदार भाइयों ने आपसी धार्मिक मतभेदों को हमेशा के लिए मिटाने के उद्देश्य से चांदापुर में एक मेला आयोजित किया। इसमें देवबंद के मौलवी मोहम्मद कासिम, बरेली के पादरी स्कॉट और आर्य धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी जी ने भाग लिया। इस मेले में परमेश्वर ने जगत को किस वस्तु से, किस समय और किस उद्देश्य से रचा, ईश्वर सर्वव्यापक है या नहीं, ईश्वर न्यायकारी और दयालु किस प्रकार है, वेद बाइबल और कुरान के ईश्वरवाणी होने का क्या प्रमाण है, मुक्ति क्या है और वो कैसे प्राप्त होती है, इन पांच विषयों पर सकारात्मक वाद विवाद हुआ। इस मेले का नाम था ब्रह्म विचार मेला। वैदिक धर्म की सच्चाई के सामने कोई न ठहर सका। मुक्ति क्या है? दुखों से छूटने का नहीं, बल्कि पापों से बचने और स्वर्ग में पहुंचने का नाम मुक्ति है। खुदा की मर्जी है, जिसे चाहे मुक्ति दे, जिसे चाहे ना दे। यदि हाकिम किसी पर नाराज हो जाए तो उसे और भी कड़ा दंड दे सकता है, और खुश हो जाए तो उसे छोड़ सकता है। सब दुखों से छूटकर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होकर सदा आनंद में रहने और जन्म मरण में न गिरना ही मुक्ति है, और ये मात्र सत्कर्मों से ही प्राप्त हो सकती है। अच्छा, आप लोग ये बताएं, ईश्वर ने सृष्टि को कब और कैसे बनाया? खुदा ने सृष्टि को अपने स्वरूप से बनाया है। कब और कैसे बनाया है, ये सवालात गैर जरूरी है। हमें रोटी खाने से मतलब है, न कि कब पकी, कैसे पकी, कहां पकी। इससे ईश्वर ने सृष्टि को नास्ति से बनाया, उसके बनाने के वर्षों का हमें ज्ञान नहीं। इस संसार के सुख के लिए ये सृष्टि रची गई है। ईश्वर ने सृष्टि को कब बनाया, इसका उत्तर केवल वैदिक धर्म ही दे सकता है। वैदिक धर्मानुसार सृष्टि को बने हुए प्रायः 2 अरब वर्ष हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये संख्या लिखी है और भूगर्भ शास्त्र भी इसकी पुष्टि करता है। ओ भाइयों, ओ दयानंद की लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई ना, तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और भूखों मरने की नौबत आ जाएगी हमारी। जब से दयानंद लाहौर आया है, मेरी गद्दी जजमानों से खाली हो गई है। एक हफ्ते से जन्मपत्री कुंडली तक बनवाने नहीं आया कोई। इसका क्या उपाय करें? लाहौर के जितने बड़े रईस हैं ना, वो हम में से किसी न किसी के जजमान हैं। उनसे कह दो दयानंद नास्तिक है, अंग्रेजों का एजेंट है, कोई भी उसे घर में अपने बाग में शरण ना दे। वो सबसे पहले जहां वो रह रहा है ना, उसे वहां से निकलवा के सड़क पे खड़ा कर दो। बस यही एक उपाय बचा है उसका, और दूसरा कोई नहीं। और फिर देखते हैं किथे लेके वेदा का प्रचार करता है, वड्डा आया वेदा वाला। स्वामी जी जिस बाग में ठहरे हुए थे, वहां से उन्हें निकलवा दिया गया। आश्चर्यजनक रूप से लाहौर के एक मुस्लिम डॉक्टर खान बहादुर रहीम खान ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कोठी स्वामी जी को ठहरने के लिए दे दी। 24 जून 1877 को डॉक्टर रहीम खान की कोठी पर ही लाहौर आर्य समाज की स्थापना हुई। यहीं पर स्वामी जी ने मुंबई में रचे गए आर्य समाज के नियमों में संशोधन किया और 10 नियम रखे गए जो आज भी प्रचलित हैं। लाहौर से स्वामी जी ने पूरे पंजाब की यात्रा की। अब तक लगभग पूरे पंजाब के सभी बड़े नगरों में आर्य समाज स्थापित हो चुके थे और प्रजा में तेजी से वेद मत का संचार हो रहा था। जालंधर में स्वामी जी के एक व्याख्यान में वैश्यागमन संबंधी स्वामी जी की कुछ कड़वी परंतु सत्य बातों को सुनकर सरदार विक्रम सिंह रुष्ट हो गए। जब वे अपनी घोड़ा बग्घी पर सवार होकर जाने लगे, सुना है ब्रह्मचर्य में बहुत बल होता है, आप भी तो ब्रह्मचारी हैं, मगर हमें आप में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। चलो कोचवान। मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे क्षमा कर दें। रुड़की, अंग्रेजी राज्य का छोटा सा सुंदर नगर।
रुड़की में ही स्वामी जी को कर्नल ऑलकॉट का पत्र मिला और थियोसोफिकल सोसाइटी के साथ संपर्क का प्रारंभ हुआ। इसी थॉमसन कॉलेज के पुस्तकालय से पंडित त्रिलोकीनाथ ने मैक्स मूलर द्वारा अनुवादित वेद पुस्तकें मंगाकर यह सिद्ध करने का असफल प्रयत्न किया था कि मूर्ति पूजा वेद विहित है। रुड़की में स्वामी जी ने डार्विन के सिद्धांत जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए, जिससे वहां का शिक्षित समाज बड़ा प्रभावित हुआ। स्वामी जी ने अपने हाथों से 20 अगस्त 1878 को रुड़की आर्य समाज की नींव रखी। अब तक की जो परंपरा थी कि हिंदू तो अपना मत छोड़कर जा सकता है परंतु दूसरे धर्मों के लोग हिंदू नहीं बन सकते थे, वो देहरादून में स्वामी जी द्वारा समाप्त हुई। वैदिक धर्म के द्वार सबके लिए खुल गए। यहां एक मुस्लिम बंधु मोहम्मद उमर ने स्वेच्छा से वैदिक धर्म में प्रवेश किया और आगे चलकर अलकधारी के नाम से विख्यात हुआ। माना जाता है कि ये पत्र उसी ऐतिहासिक घटना से संबंध रखता है। स्वामी जी 14 अगस्त 1879 को बरेली पधारे। बरेली में स्वामी जी ने अनेक व्याख्यान दिए जिनमें कलेक्टर, पादरी व अन्य विशिष्ट व्यक्ति शामिल होते थे। बरेली में ही एक बिगड़ैल नास्तिक युवक मुंशीराम महर्षि से मिला। महाराज, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे निरुत्तर तो कर दिया, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व में मेरा विश्वास अब भी पैदा नहीं कर सके। मैंने कब प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर करा दूंगा? प्रश्नों का उत्तर देना युक्त की बात थी। रही बात ईश्वर पर विश्वास की, सो ईश्वर पर विश्वास तुम्हें तभी होगा जब ईश्वर तुम्हें स्वयं विश्वासी बनाएंगे। ईश्वर पर विश्वास तुम्हें तभी होगा जब ईश्वर तुम्हें स्वयं विश्वासी बनाएंगे। ईश्वर पर विश्वास तुम्हें तभी होगा जब ईश्वर तुम्हें स्वयं विश्वासी बनाएंगे। यही मुंशी राम आगे चलकर स्वामी श्रद्धानंद बने। इस स्थान पर कभी बरेली का टाउन हॉल हुआ करता था, जहां 25, 26 व 27 अगस्त 1879 को पादरी स्कॉट के साथ स्वामी जी का बहुचर्चित शास्त्रार्थ हुआ। जीव के शुभाशुभ कर्म प्रवाह से अनादि है, उनका यथार्थ फल देना ईश्वराधीन है। स्थूल और कारण शरीर के बिना जीव सुख दुख का भोग नहीं कर सकता, इसलिए उसका बार बार देह धारण करना आवश्यक है। क्या वह आत्माएं कभी जन्म के चक्र से पार होंगी? क्या पुनर्जन्म केवल दंड भोगने के लिए ही? क्या ईश्वर मनुष्यों के पापों को क्षमा करता है? परमेश्वर और हमारा राजा प्रजा और पिता पुत्र का संबंध है, वो पापों के लिए अवश्य दंड देता है परंतु पापों को क्षमा भी करता है। संसार में भी पिता पुत्र को दंड भी देता है और क्षमा भी करता है। दंड देना और क्षमा करना दो परस्पर विरोधी बातें हैं। इससे परमेश्वर न्यायकारी नहीं रहता, क्योंकि न्याय का अर्थ है कि जो जितना और जैसा कर्म करे उतना और वैसा ही फल देना। पापी को क्षमा करने से पाप बढ़ता है, पापी का पाप करने का साहस बढ़ता है। न्याय करना परमेश्वर का स्वाभाविक गुण है, वो इसके विपरीत कार्य नहीं कर सकता। ये बताएं कि परमेश्वर कौन कौन से पाप क्षमा करता है और कौन कौन से नहीं करता? यह तो हम नहीं कह सकते कि कहां तक वो दंड देता है और कहां तक क्षमा करता है। क्षमा से पाप की निवृत्ति कहना ठीक नहीं, और फिर पिता भी पुत्र के सभी पापों को क्षमा नहीं करता। वेदों में कहीं भी पाप का क्षमा होना नहीं लिखा है। अंग्रेजी बोलने वाले वेदों के अर्थ का निर्णय नहीं कर सकते। अदिति का अर्थ पृथ्वी, आकाश, माता, पिता, अंतरिक्ष आदि भी है। ये बरेली का बेगम बाग इलाका है। यहां पर स्वामी जी लक्ष्मीचंद खजांची की कोठी में ठहरे थे। स्वामी जी के प्रवचनों में कुछ कड़वी बातों से वहां के कमिश्नर रुष्ट हो गए और उन्होंने खजांची को बुलवा भेजा। हुजूर ने याद फरमाया, लक्ष्मीचंद खजांची, ये दयानंद स्वामी तुम्हारा ही कोठी पर ठहर रहा है? जी हजूर। अपने स्वामी से कहो ज्यादा सख्ती से काम न ले, हम ईसाई लोग तो सभ्य है,
वाद विवाद से नहीं घबराता, लेकिन अनपढ़ हिंदू और मुसलमान बिगड़ उठा तो उसका प्रवचन बंद हो जाएगा। जो हुकुम सरकार। लेकिन खजांची साहब की हिम्मत नहीं हुई कि स्वामी जी को यह संदेश स्वयं दे दे। महाराज जी, कल खजांची साहब को कमिश्नर साहब ने अपने बंगले पर बुलवाया था, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो भाई, इसमें सहमने की क्या बात है? कमिश्नर ने यही कहा होगा ना कि अपने पंडित से कहो ज्यादा सख्ती ना किया करें। आप चिंता ना करें। कोई कहता है कि सत्य ना बोलो, कलेक्टर नाराज हो जाएगा। सत्य ना कहो, नहीं तो कमिश्नर गुस्सा करेगा। चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो, हम सत्य कहकर ही रहेंगे। शरीर तो अनित्य है, इसकी रक्षा के लिए अधर्म करना व्यर्थ है। परंतु मुझे वो शूरवीर दिखाओ जो मेरे आत्मा का नाश कर सकता हो, और जब तक ऐसा शूरवीर पैदा नहीं हो जाता, मैं ये सोचने को भी तैयार नहीं कि मैं कभी सत्य को दबाऊंगा। अमेरिका वालों यानी कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की के बहुत आग्रह पर बरेली में ही स्वामी जी ने अपने जीवन चरित का कुछ अंश भी लिखा। ये दर्दनाक घटना स्वामी जी की नजरों के सामने फरुखाबाद में घटी। एक बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे का शव गंगा किनारे लाई। वो इतनी निर्धन थी कि शवदाह के लिए लकड़ी भी नहीं जुटा पाई, और साथ आए पुरुषों की सहायता से उसने वो शव गंगा में बहा दिया। घोर शोक कि हमारा देश इतना निर्धन हो गया है कि एक मृत शरीर को लकड़ी तक नहीं मिल सकती। अंधविश्वासों के तले पिस रही जनता को जगाने के लिए स्वामी जी ने अपनी लेखनी को और तेज करने का निश्चय किया, लेकिन उनके ग्रंथ कोई आसानी से नहीं छापता था। सो स्वामी जी ने एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने का निश्चय किया, और माघ शुक्ल 2 संवत 1936 को काशी में लक्ष्मी कुंड पर मेरठ और फरुखाबाद की आर्य समाजों तथा राजा जय कृष्णदास की सहायता से एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम आर्य प्रकाश यंत्रालय रखा गया। आज वही प्रिंटिंग प्रेस अजमेर में वैदिक यंत्रालय के नाम से स्थित है। ये मशीन स्वामी जी ने स्वयं अपने हाथों से खरीदी थी। स्वामी जी का मानना था कि यदि पूरी आर्य जाति का विकास करना है तो स्त्रियों को शिक्षित करना होगा। बाल विवाह, बाल विधवा, बेमेल विवाह, बहुविवाह आदि सब कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। इसी उद्देश्य से स्वामी जी ने रमाबाई को मेरठ बुलाया। लेकिन रमाबाई, हम चाहते हैं कि आप आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर देश की महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने का व्रत लें। शिक्षा विहीन नारी के कारण आज राष्ट्र की अधोगति हो रही है। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही विवाहित हूँ। स्वामी जी की प्रेरणा से ही मेरठ और देश के अन्य भागों में बालिकाओं के लिए अनेकों पाठशालाएं प्रारंभ हुई, और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम ग्राम और नगर नगर में एक नई चेतना का संचार हुआ। फूल सिंह, तू अपनी धिया ने स्कूल भेज के मेम साहब पढ़ावन चला है के? सारे काम के मुंह पे काले पोतेगा तू, हैं? देखे एक बात सुनले कान खोल के, आज जो तने अपनी लोंडिया को स्कूल से ना काटिया ना, तो जात बरादरी का नहीं, सारे काम भर में का हुक्का पानी बंद हो जाएगा तेरा, समझ गया कि नहीं? पंचों की बात सर मत थे जी। स्वामी दयानंद का कहना है कि पढ़ाई लिखाई सबके लिए जरूरी है। मारी बेटियां भी मारा अंश हैं। बेटों को पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाओ, जज बनाओ, लाट बनाओ, और बेटियां नू जाहिल रखो। बात कुछ समझ में आई नहीं जी? बेटियां नहीं पढ़ेंगी लिखेंगी तो बहू भी थारे घर में जाहिल आवेगी। स्वामी दयानंद की बातों में दम है। पंचो, गांव छोड़ना मंजूर है पर बेटियों को जाहिल रखना मंजूर नहीं। स्वामी जी के शिष्यों ने स्त्री शिक्षा के लिए अनथक कार्य किया, और देश भर में अनेक महत्वपूर्ण स्त्री शिक्षा को समर्पित संस्थाएं स्थापित की। DAV शिक्षा आंदोलन भी स्वामी जी की प्रेरणा का ही स्वरूप है। देश में जात पात को बहुत अधिक महत्ता दी जा रही थी, और हर व्यक्ति अपने जाति सूचक उपनाम से स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा सिद्ध करना चाहता था। देश की प्रथम जनगणना के समय स्वामी जी आगरा में थे, और वहीं से स्वामी जी ने सभी आर्य समाजों को निर्देश भिजवाया।
प्रधान जी, कृपया आप अपने सभी सदस्यों से आग्रह करें कि आने वाली जनगणना में अपने नाम के साथ जाति सूचक उपनाम न लगाकर आर्य लिखाएं और अपना धर्म वैदिक धर्म लिखाएं, क्योंकि हिंदू शब्द विदेशियों की देन है और फारसी में हिंदू शब्द के अर्थ चोर डाकू इत्यादि है। आप सभी को आशीर्वाद। दयानंद सरस्वती। स्वामी जी की बात बिल्कुल ठीक है। नमस्ते। नमस्ते जनाब, हम देश की पहली जनगणना के सिलसिले में आए हैं, आपसे चंद सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए जनाब। श्रीमान, आपका नाम? सुखराम। जाति? आर्य। आर्य? आर्य क्या है, आप तो ब्राह्मण है ना? इस देश का वैदिक नाम आर्यवर्त है और इस देश में रहने वाले सभी आर्य हैं। महर्षि दयानंद के उपदेश से हमने जात पात को मानना छोड़ दिया है। धर्म हिंदू? जी जनाब, सनातन वैदिक धर्म। नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी चाहते थे कि भारतीय भी दूर दराज के स्थानों में जाकर वाणिज्य करके समृद्ध बने। यदि अंग्रेज सात समंदर पार करके यहाँ आकर व्यापार कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। स्वामी जी की यह हार्दिक इच्छा थी कि भारतीय युवक जर्मनी जाकर तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करें और देश को समृद्ध बनाए। स्वामी जी ने जर्मनी के एक प्रोफेसर वाइस के साथ इस विषय में लंबा पत्राचार भी किया था। राजपुताना के अनेक बड़े राजा और महाराजा स्वामी जी के शिष्य बन गए थे और शासन के अनेक विषयों पर स्वामी जी से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। अगस्त 11 सन 1882 को महाराणा सज्जन सिंह के निमंत्रण पर स्वामी जी उदयपुर पधारे। उदयपुर में स्वामी जी लगभग 7 महीने रहे और उन्हें नौलखा महल में ठहराया गया। महाराणा ने पूरे मान सम्मान के साथ स्वामी जी की सेवा की। नौलखा महल के इस कमरे में स्वामी जी ठहरे थे। स्वामी जी के आग्रह पर उदयपुर महाराज ने अनेक समाज सुधार के कार्यों को अपने राज्य में लागू किया और अपने महल में नित्य हवन भी करने लगे थे। एक दिन महाराणा ने शायद स्वामी जी की परीक्षा ली। आप एकलिंग महादेव के महंत बन जाएं, सारा राज्य आपके अधीन हो जाएगा, क्योंकि शैव यहां राजधर्म है और लाखों रुपए मंदिर की आय है। ये हास्य का विषय नहीं है राजन, आप प्रलोभन देकर हमसे परमेश्वर की आज्ञा भंग कराना चाहते हैं। आपका ये राज्य और आपका ये मंदिर मुझे अपने विश्वास से डिगा नहीं सकते। आपके इस राज्य की सीमा से तो मैं एक दौड़ लगाकर बाहर हो सकता हूं, लेकिन परमात्मा के राज्य से भागकर कहां जाऊंगा। दृष्टता क्षमा हो महाराज, मैं तो आपके निश्चय की दृढ़ता देख रहा था। नौलखा महल में ही स्वामी जी के प्रवचन होते थे। एक युग दृष्टा की भांति उन्होंने कहा, हमारी चिंता मात्र समाज के धार्मिक और नैतिक उत्थान तक ही सीमित नहीं है, हमें स्वदेश का सम्मान भी उतना ही प्यारा है। हमें स्वदेशी चिकित्सा पद्धति और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाना चाहिए और देश के राजाओं को अपने अपने राज्य में भाषा और भावना में एकता उत्पन्न करनी चाहिए। महाराणा सज्जन सिंह में स्वामी जी को एक योग्य शिष्य मिला। स्वामी जी का विश्वास था कि एक भाषा के बिना देश में एकता और राष्ट्रीयता का संचार संभव नहीं और राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता मात्र हिंदी में है। इसी विचार से स्वामी जी ने अपने ग्रंथ संस्कृत और हिंदी में लिखे और स्वामी जी के निर्देश पर आर्य समाजों ने भी हिंदी को ही अपनाया। सन 1882 में सरकार ने हंटर कमीशन नियुक्त किया था कि उत्तर भारत के सरकारी दफ्तरों में कौन सी भाषा और लिपि रखी जाए। स्वामी जी ने इसके लिए सभी आर्य समाजों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि कमीशन में देवनागरी लिपि के पक्ष में अपना मत भेजें। स्वामी जी और उनके अनुयायियों ने राष्ट्रभाषा हिंदी की जो सेवा की, उसके लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। स्वामी जी को अपने अंत का आभास होने लगा था। उन्होंने अपनी उत्तराधिकारिणी सभा परोपकारिणी सभा की उदयपुर में ही एक स्वीकार पत्र लिखकर स्थापना की और महाराणा सज्जन सिंह को स्वामी जी ने इस सभा का सभापति बनाया।
इस सभा को स्वामी जी ने अपने वस्त्रों, पुस्तक, धन और यंत्रालय सहित सभी निजी वस्तुओं का अधिकार दिया। इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे महामानव भी आए हैं जिन्होंने उद्देश्य के समक्ष किसी चुनौती को कुछ नहीं समझा। दयानंद भी उन्हीं में से एक थे। महाराजा जोधपुर के निमंत्रण पर दयानंद ने उदयपुर से जोधपुर के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में शाहपुरा और अजमेर में ठहरे। दोनों ही स्थानों पर उनसे जोधपुर न जाने का आग्रह किया गया। निर्भीक दयानंद के जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आए जब उनका हित चाहने वालों ने उन्हें ऐसी सम्मतियां दी, लेकिन न तब और न अब ही दयानंद पर उनका कोई प्रभाव हुआ। सत्य के उपदेशक को किसका डर। महाराज, ये मेरी धृष्टता ही होगी कि श्री महाराज को कुछ करने या ना करने की सम्मति दूं। बस इतनी प्रार्थना है कि आप जहां जा रहे हैं वहां जाकर वेश्यावृत्ति का अधिक खंडन ना करें। हे नृपश्रेष्ठ, बड़े बड़े कटीले पेड़ों को नाई के नहुरने से नहीं काटा जा सकता। उसके लिए तो भारी और तेज कुल्हाड़ों की ही आवश्यकता होती है। कहां नहुरने की और कहां कुल्हाड़े की आवश्यकता होती है मैं अच्छी तरह जानता हूं। आयुष्मान भव। महाराज, आप जोधपुर न जाइए। वहां की मरुभूमि न केवल प्राकृतिक दृष्टि से मरु है अपितु धार्मिक दृष्टि से भी उसर है। महाराज, वह मूलासुर का देश है, वहां ना जाना ही उचित होगा। हाँ महाराज। हाँ महाराज, हमने उन्हें वचन दिया है, हमें वहां जाना ही होगा। वो लोग हमारी उंगलियों को यदि बत्ती बनाकर दिए में रखकर जला भी दे तो भी कोई चिंता नहीं। मैं वहां जाकर अवश्य ही सत्य का उपदेश करूंगा। जोधपुर में स्वामी जी को इसी फैजुल्ला खां की कोठी में ठहराया गया था। यहीं पर उपदेश होने लगे। जनता में उनके सिद्धांतों के प्रति अनुराग बढ़ने लगा। उन्होंने कहा, क्षत्रियों को, राजाओं को, महाराजाओं को चरित्रवान बनना चाहिए, क्योंकि प्रजा की रक्षा रोगी शरीर और वेश्याओं के चंगुल में फंसे व्यसनी राजा नहीं कर सकते, वरन स्वस्थ और चरित्रवान राजा ही कर सकते हैं। याद रहे, एक तरफ जहां मनुष्य मात्र को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है, तो वहीं अपने आचरण से गिर गए व्यक्ति से यज्ञोपवीत उतरवाया भी जा सकता है। एक दिन जब स्वामी जी महाराजा से मिलने उनके महल में पहुंचे तो महाराजा के पास उनकी विशेष कृपा पात्र नन्ही भक्तन बैठी हुई थी। कहिए नन्ही जी, राज्य में सब ठीक ठाक है? कुछ ही दिनों में गवर्नर राज्य के दौरे पर आने वाले हैं और स्वामी जी की सेवा में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। महाराज, जब से स्वामी दयानंद जी जोधपुर पधारे हैं हमारी सूद लेने की तो आपको फुर्सत ही नहीं है। आपका सारा वक्त बस रेजिडेंट और स्वामी जी की खातिर में ही जाता है। अपनी नन्ही को तो जैसे आप भूल ही गए। ऐसी बात नहीं है, दरअसल स्वामी जी की बातों का प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि। महाराज, स्वामी जी पधार रहे हैं। नन्ही, आप तुरंत चलिए। पालकी उठाते समय पालकी का एक सिरा थोड़ा झुक गया तो महाराजा ने अपने कंधे का सहारा दे दिया। स्वामी जी ने वो सब कुछ देख लिया। राजन, राजा को अपनी मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। राजा सिंह के समान होता है, उसे अपनी मर्यादा अनुसार ही वर्तना चाहिए। बड़े शोक का विषय है कि राजा प्रजा के कल्याण को भूलकर राग रंग में खोया हुआ है। जोधपुर में स्वामी जी लगभग 4 महीने रहे। महाराजा स्वयं को वैदिक धर्मी कहने लगे। प्रशंसकों और विरोधियों दोनों की संख्या बहुत बढ़ी। रानी सा, आज रात को उस स्वामी के दूध में ये पुड़िया मिलाकर देना है तुझे। रख ले इसे।
स्वामी जी को राजपुताने के राजाओं महाराजाओं से बहुत आशा थी। गुरु को दी हुई प्रतिज्ञा उन्हें पूरी होती दिखने लगी, लेकिन परमेश्वर को कुछ और ही स्वीकार था। 29 सितंबर की रात को नित्य की भांति उनके रसोइये ने उन्हें दूध पिलाया, लेकिन देर रात उदर शूल के कारण स्वामी जी की नींद टूट गई। उन्हें संदेह हुआ कि उन्हें कोई विषाक्त पदार्थ खिलाया गया है। स्वामी जी ने न्योली क्रिया करके विष को निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं निकाल पाए। राज्य की ओर से पहले डॉक्टर सूरजमल और फिर अली मर्दान खान ने उनका इलाज किया, लेकिन उपचार के साथ रोग बढ़ता गया। कहीं इलाज में लापरवाही की गई थी या फिर एक षड्यंत्र, पहले दूध में विष और फिर जानबूझकर गलत दवा। 26 अक्टूबर को स्वामी जी अजमेर में भिनाई कोठी में आ गए। तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। 30 अक्टूबर दीपावली का दिन, अचानक उस दिन स्वामी जी को काफी अच्छा लग रहा था। लगभग 5:30 बजे स्वामी जी ने अपने पास खड़े लोगों से कहा, आप सब लोग हमारे पीछे की ओर खड़े हो जाएं, सामने कोई न खड़ा रहे, सभी खिड़की दरवाजे और रोशनदान खोल दो। आज तिथि क्या है, कौन सा पक्ष और कौन सा वार है? महाराज, कृष्ण पक्ष का अंत शुक्ल की आदि अमावस्या और दिन मंगलवार है। और स्वामी जी ने कुछ देर ईशोपासना की। ओम या आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रशेषम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषाविधे। हे दयामय सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तेने अच्छी लीला की। कुछ देर मौन रहने के पश्चात सांस रोककर प्राण बाहर निकाल दिए। स्वामी जी की इच्छा के अनुसार उनका दाह संस्कार ही किया गया। धन्य है अजमेर नगर का ये मलूसर शमशान घाट, जहां पूज्य स्वामी जी के जीवन की अंतिम यात्रा पूर्ण हुई। मेरे शव की भस्म खेतों में डाल देना, काम आएगी। हम मंदिरों, मठों और उनमें रखी मूर्तियों के विनाश के समर्थक नहीं हैं। हम तो लोगों के मस्तिष्क में बनी अंधविश्वास की मूर्तियां तोड़ना चाहते हैं, ना कि मंदिरों और मठों में रखी हुई मूर्तियां। सारी मानव जाति एक है, हमें किसी धर्म विशेष से द्वेष नहीं। हम तो मानते हैं कि हर धर्म के मूल में शुद्ध मानव धर्म के तत्व हैं। हमने तो सिर्फ धर्म के नाम पर चलाई गई कुरीतियों और पाखंडों का विरोध किया है। को
तुझको ऐ ऋषि।